हर किसी में दोस्तों स्वागत है सभी का राज गुप्ता की एक और नई वीडियो में। आप जिस तरीके से देख रहे हैं ऑटो एक्सपो की सारी सीरीज आती जा रही है, तो यहाँ पे आज हम लोग अब खड़े हैं यहाँ पे ये मॉरिस गैराज के जो पवेलियन है इसके पास में, जहाँ पे इनकी सारी जो कार्स हैं एमजी की वो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं एमजी का यहाँ पे वो दे रखा है 1924 सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अगर पहली कार देखें तो यहाँ पे है ये एएमजी, यहाँ पे है एमजी की एस्टर जो कि ये पेट्रोल वाला वेरियंट है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखोगे मॉरिस गैराज का एमजी की यहाँ पे जो ये है मीफा 9 करके ये कार है जो कि यहाँ पे मिल रही है। और ये 7-सीटर है मेरे ख्याल से, बिल्कुल 7-सीटर है, इलेक्ट्रिक है, फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है ये भाई, काफी सुंदर है। और लोग यहाँ पे इसको लिए हुए हैं और पीछे से इसका डिजाइन तो काफी सुंदर है जो कि मैं देख रहा हूँ, काफी ज्यादा ही सुंदर है यहाँ पे। और ये हर साइड से यहाँ पे दिख रही है, ये एडास के साथ में हेक्टर जो है आ रही है अब, तो ये वही डिस्प्ले किया जा रहा है यहाँ पर एमजी की हेक्टर। और यार लुक्स में तो काफ़ी सुंदर है, ये शायद फेसलिफ्ट वर्जन है इसका और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट जनरेशन हेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका फेसलिफ्ट वर्जन है और ये एडास सिस्टम के साथ में आएगी। और इसकी जो ग्रिल है वही काफ़ी सुंदर लग रही है, बाकी साइड से तो बिल्कुल वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। और ये इसकी डिस्प्ले में काफ़ी अच्छी तरीके से लगाई गई है, मेरे ख्याल से यही न्यू लॉन्च है इनका यहाँ पर। और बाकी जितनी भी वैसी कार्स हैं वो सब यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम। वैसे एमजी में काफ़ी अच्छा है, यहाँ सब आप देखोगे ना ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रीन काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वही है ZSEV यहाँ पे लगा रखी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा। और यहाँ वही जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी हेक्टर की नई वाली, ये वही है यहाँ पे। और इधर की तरफ में MG4 है, MG की MG4 यहाँ पे लिखी हुई है और बहुत ही सुंदर लग रही है, ये सुंदर कार है काफ़ी ज़्यादा। देखो सामने से पता नहीं है सब इंडिया में कब लॉन्च होंगी, लेकिन ये है कार आप देख सकते हो ऑटो एक्सपो में, बस यही पता चल पाता है इनका कि कौन कौन सी कार्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MG की ग्लॉस्टर है जिसका डायरेक्ट टक्कर है फॉर्चुनर से अपनी, और एंडेवर से था लेकिन एंडेवर अब नहीं है, तो ये यह है यहाँ पे ग्लॉस्टर इनकी, काफ़ी सुंदर है भाई। और ये ग्लॉस्टर तो आप रियलिटी में भी काफ़ी देखते हो। ये है इसकी ईवी वाली व्हीकल, यहाँ पे PHEV लिखा हुआ है ERX 5। और इसका यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है, इसकी जो ग्रिल्स हैं वो काफ़ी मस्त है और यहाँ से भी इसका काफ़ी अच्छे लुक है। और ईवी में आजकल ज़्यादा ही कार्स लॉन्च हो रही हैं क्योंकि ज़माना भी ईवी का है, तो ईवी में ही लॉन्च होनी चाहिए। और ये आपको अगर दूर से दिखाऊँ ना भाई, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ऊंची है ये, और ये बिल्कुल मेरे हाइट के डिस्टेंस पे मैं बैठा हूँ, मेरे को भी ये इतना ही दिख रहा है यहाँ से जितना आपको छत दिख रही है वो। और यहाँ पे काफ़ी ऊंची है ये और यार बहुत बढ़िया लग रही है। पीछे से तो जैसे जैगवार का लुक होता है ना, जैगवार की जो कार्स होती हैं उनका लुक लग रहा है इसका भी देखने में, तो काफ़ी बेहतरीन है ये भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी कार्स हैं यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो ईवी का बैटरी का जो ये वाला सेटअप है ना, ये हर कंपनी ने मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगा रखा है, चाहे वो टोयोटा चाहे वो हुंडई हो चाहे वो सुजुकी हो, सबने लगा रखा है किस तरीके से यहाँ पे ये चार्ज हो सकती है रिवर्सिबली, तो वो सारा कुछ लगा रखा है। बाकी यार यहाँ पे गाने बज रहे हैं इसलिए शोर काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना, प्लीज़ एडजस्ट करना। बाकी यार MG की पाइप है ये आप देख सकते हो, जल्दी से जल्दी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये MG की पाइप है और यहाँ पे ये कार यहाँ पे चार्ज होते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये सब कार अभी इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुए हैं तो इसलिए इनको दिखाने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ इसका सेटअप जो पवेलियन MG ने जो किया है ना काफ़ी सुंदर है यार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यह है EHS नाम की कोई कार इनकी, MG वालों की है EHS। और यहाँ सामने से इसका दिखाऊं तो यहाँ से आप देखो बॉर्न इन UK, क्योंकि ये UK की कंपनी है तो जाहिर सी बात है बॉर्न इन UK। ये देखो कार में इसमें काफ़ी सुंदर है, अंदर से अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो इसका कुछ अंदर से इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई। और यहाँ पे भी इसका पीछे की सीट्स हैं जो काफ़ी सुंदर लग रही हैं यहाँ से देखने में, तो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको। और तो इसमें यहाँ पे इसका डैशबोर्ड का लुक आप देख सकते हो पूरा का पूरा, हैंडलिंग सिस्टम है और सारा कुछ है। और इसमें ये जो है यार इसका जो
यहाँ पे आप सिस्टम देखोगे ना, इसका ये जो गियर बॉक्स का जो नॉब है ये भी काफ़ी छोटा सा है, और इसकी जो मेरे को अच्छी लगी, जिस तरीके से मर्सिडीज़ में हमें एसी के इवेंट्स मिलते हैं ना, यहाँ वैसे ही एसी के इवेंट्स हैं, और काफ़ी प्रीमियम लग रही है ये कार भी। अब इंडिया में आने वाली बात है कि किस तरीके की मिलती है नहीं मिलती है। बाकी यहाँ से देखो धुलाई पुछाई चालू है, MG की EHS ये है, बाकी तो काफ़ी सुंदर है। बॉर्न इन UK, सर आप भी बॉर्न इन UK हैं। आगे की कार्स में हम देखना चाहें, यह है मार्वल R, और ये कार भी काफ़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट कार जैसी लग रही है यार। MG की तो सारी कार्स मुझे एक्चुअल में कंसेप्ट कार जैसी लगती है, इनकी डिज़ाइनिंग्स भी वैसी हैं और सारी कुछ वैसी हैं, इलेक्ट्रिक कार है, बढ़िया है। ये मॉरिस गैराज लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है यार ये सब। हम लोग हैं MG के पास में, यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो जितनी भी थी वो शूट कर ली है अपनी पूरी पूरी, और मुझे आई होप कि आपको ये सारी वीडियो जो मैंने आपको सीरीज में दिखाई वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्ण।